ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाऊं। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी क्या करें, रावण के गले काटने में लगे, कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह भान रूपी नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, विकार के गले नहीं कटेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। जो आत्माभिमानी बनते हैं, उनके अंदर देवताओं के संस्कार और संस्कृति आएगी।